वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई मास कॉर्नर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। इसको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। पालक पनीर हेल्दी तो होता ही है, इसके साथ साथ टेस्टी भी होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो पालक है, इसके पत्तों को अच्छे से धो लिया था और इसका पानी निकाल दिया था। अब हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें पालक के पत्ते डालेंगे। हमें पालक के पत्तों को 3-4 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना। जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तब तक ही पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे पालक के पत्तों का कलर डार्क हो जाएगा और हमारे पालक पनीर का कलर अच्छा नहीं आएगा। बॉईल करते टाइम ही इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पालक के पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि हमारे पालक के पत्ते ओवर कुक ना हों। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने देंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब एक जार लेंगे, उसमें पालक के पत्ते डालेंगे और उसकी प्यूरी बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी पालक की प्यूरी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें 200 ग्राम पनीर। ये मैंने पनीर घर में ही बनाया है और इसको क्यूब में काट लिया है। टमाटर रफली चॉप्ड है, अनियन बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, अदरक लहसुन 3-4 कलियाँ। अब हम मसाले लेंगे। तो मसाले में हमें चाहिए 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है बेसन, 1 छोटा चम्मच बेसन। अब हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। तो एक जार में हम टमाटर लेंगे, उसमें अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे। इन सब की हम प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्यूरी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा भुनने देना है। अब इसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज को लगातार हिलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और प्याज को ब्राउन होने तक भुनना है। अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे और इनको भी अच्छे से भूनेंगे। हमें 2-3 मिनट तक भूनना है मसालों को। इसके बाद हम प्यूरी डालेंगे टमाटर की। अब हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। कई लोग इसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन टमाटर से पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पालक की प्यूरी डालेंगे। अब हम मसाले और प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो जार में चिपकी हुई है प्यूरी, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसी में डाल देंगे। अब ग्रेवी को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी आप रख सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये बॉईल होने लगेगी तब तक हम इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही को हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे और उसको अच्छे से फेंट के फिर डालेंगे दही को। दही की जगह आप फ्रेश क्रीम या काजू का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है, दिख भी नहीं रहा। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। अब इस पनीर को मिक्स कर देंगे। पनीर को बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, ये बहुत सॉफ्ट होता है।
इसलिए आप बहुत हल्के हाथों से मिक्स करें। अब हम इसको 2-3 मिनट तक और पकने देंगे। आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं। दोस्तों, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे नए वीडियो लाने के लिए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पालक पनीर बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।